हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूसी लैब चैनल। जैसा कि हम लोग मेंस के पेपर डिस्कस कर रहे थे, 2021 का मेंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे, जो 8 अगस्त 2022 को जो हुए थे, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक ने कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। आज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और आगे कवर कर लें, ठीक है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो हमारे फर्स्ट पार्ट तक ले प्लेलिस्ट उनका बना हुआ है, ठीक है। और जिन किन्हीं को भी कोई विद्यार्थी को मेरे साथी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें ज़रूर बताएं कमेंट के जरिए। आप हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, तभी हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और जिन किन्हीं को भी पीडीएफ चाहिए, जो ये मैं करवा रहा हूँ सॉल्यूशन, तो इसके मैं पीडीएफ्स भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, जो कि हमारा मेंस 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आगे हम लोग चलते हैं 11 क्वेश्चन पर, ठीक है। 11 क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है कि द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड इज 9, 12 एंड 15। ध्यान देना है क्या बोल रहा है। प्रिज्म है। अब प्रिज्म का बेस क्या बोला जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोला जा रहा है कि प्रिज्म है, ठीक है, तो ध्यान देना है। तो प्रिज्म है तो ये भी हमारा ध्यान देना है। इसी ढंग का होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, ध्यान देना है। तो प्रिज्म में ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मतलब ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना है जिसमें क्या बोल रहा है कि बेस पर ये है हमारा है, तो बोला जा रहा है कि हुज साइड इज 9, 12 एंड 15। मतलब क्या हो गया, ध्यान देना है, मतलब हो गया हमारा जो साइड दिया गया ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है ना, जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको सामने लिखते हैं, ध्यान देना है। राइट एंगल ट्रायंगल में भी ट्रिपलेट दिया गया, अगर 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर आता है, ठीक है, तो ये दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ दिस प्रिज्म इज 648, ठीक है, इसका वॉल्यूम दिया गया है, क्या दिया गया है, 648 दिया गया है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है कि इसके हाइट निकाले, ठीक है, हाइट निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब ध्यान देना है कि कोई भी फिगर हो, ध्यान देना है, किसी तरह का कोई भी मतलब चीज़ हो, थिंग्स हो, जैसे हमारा क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, किसी भी ठोस चीज़ हो, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान देना है। उसका वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ध्यान देना है, उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ, ध्यान देना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ध्यान देना है। जब भी बोला जाए किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर निकालने बोला जाए, जैसे क्यूब बोले, क्यूबॉइड बोले, कोन बोले, ठीक है ना, तो उसका क्या करते हैं, एरिया का बेस निकालते हैं, बेस ऑफ एरिया, और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। हमारा प्रिज्म दिया गया था, तो प्रिज्म कैसा था, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका क्या वॉल्यूम दिया गया, तो वॉल्यूम कितना है, 648, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, बेस का एरिया, ध्यान देना है, तो बेस का एरिया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, होगा कि नहीं होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, और हाइट निकालने बोल रहा है इसका, तो यह मान लिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करेंगे क्या होगा, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 6 बार में काटेंगे तो 6, 1, 0, 8 हो गया। फिर इसको 9 बार में काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा, मतलब क्या हो गया, h का वैल्यू क्या आ गया, h बराबर 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। समझ में आए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को तो हमें बोल सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा प्रिज्म, किसी भी तरह का ध्यान देना है, किसी भी तरह का फिगर अगर दिया हो, कोई भी सॉलिड फिगर हो, ध्यान देना है, उसका हमेशा वॉल्यूम क्या हुआ, बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे, बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे तो उसका वॉल्यूम पूरा पता चल जाएगा कि उसका वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ भी वही बोला गया था, प्रिज्म दिया गया था, तो प्रिज्म का बेस क्या बोला है कि बेस उसका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस में अगर हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसी का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, यही हम लोगों ने यहाँ किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए मिक्सर
अब क्या आ गया, ए मिक्सर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 20% एसिड, वेन क्या बोल रहा है 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, ध्यान देना है क्या बोल रहा है, एक मिक्सर है किस चीज का, एसिड और वाटर का, क्या एसिड और वाटर का मिक्सर है, जिसमें से क्या बोला जा रहा है कि 20% क्या बोला जा रहा है एसिड है, ध्यान देना है। तो मान लेते टोटल हमारा जो है हमारा मिक्सर है, मिक्सर को अगर x मान लिए, ध्यान देना है, अगर मिक्सर पूरा टोटल जो मिश्रण हमारा है मिश्रण को अगर x मान लिए तो एसिड हमारा क्या हो जाएगा 20% ऑफ x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना है टोटल क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोगों ने मिक्सर को x माना है, ध्यान देना है मिक्सर जितना भी हमारा है इसको हम लोगों ने x लीटर माना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो हमारा एसिड कितना हो जाएगा 20% ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है, आगे बोला गया है कि 10 लीटर हम लोग क्या कर रहा है इसमें मिक्सर में पानी मिला देना है, ध्यान देना है हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, क्या बोला गया क्वेश्चन में सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, तो अगर पानी मिलाएंगे तो एसिड तो हमारा सेम रहेगा, जैसे हम लोगों ने कोई कंटेनर लिया, ध्यान देना है तो पहले से क्या था इसमें कुछ एसिड था, ठीक है, और वाटर था, ध्यान देना है। तो अगर हम लोग इसमें फिर से अगर वाटर अगर मिला देंगे, ध्यान देंगे अगर वाटर मिला देंगे तो हमारा एसिड तो वही रहेगा ना, ध्यान देना है एसिड तो वही रहेगा, एसिड तो नहीं बढ़ेगा, जितना पहले एसिड था एसिड वही रहेगा, सिर्फ क्या बढ़ेगा वाटर बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ध्यान देना है। अगर जो हमारा मिक्सर था मिक्सर में सिर्फ वाटर डालेंगे तो एसिड तो बराबर रहेगा, ठीक है, वही करेंगे एसिड तो बराबर रहेगा, परसेंटेज में सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर पहले से 2 लीटर था तो अभी भी वो 2 ही लीटर रहेगा, ना कि वो 4 लीटर नहीं बन जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर 2 लीटर में अगर हम लोग 10 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो परसेंटेज भल इसका गड़बड़ हो जाएगा, ये परसेंटेज में कम हो जाएगा। तो वही बोला जा रहा है कि पहले 20% था, तो आगे क्या बोला गया है कि 10 लीटर और मिला दिया जाएगा तो ये एसिड क्या हो जा रहा है 15% हो जा रहा है, तो 10 लीटर और मिला देंगे, ध्यान दे रहा है, ध्यान दे रहा है 10 लीटर और मिला दिए, 1 लीटर हमारा टोटल मिक्सर था उसमें से 10 लीटर और मिला देंगे तो क्या हो गया हमारा इसमें 15% बचेगा, 15% एसिड हो गया, ध्यान एसिड को एसिड से बराबर कर दिए, एसिड को एसिड से बराबर कर दिया, बस इसको सोल्व कर देना है, सोल्व करेंगे जो x आएगा वो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा, समझ में, इसको सोल्व कर लेंगे, क्या जाएगा या 100 से 100 कट गया, ध्यान दे रहे हैं तो काटेंगे तो 5 बार काटेंगे 5 3 15 5 4 20 मतलब क्या आएगा 4x, या क्या जाएगा 3x, 4x में 3x गया तो x बराबर क्या जाएगा ये 30 हो गया, 10 3 30 मतलब क्या हो गया x का वैल्यू, मिक्सर कितना टोटल है 30 लीटर का है, समझ में आए इसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे बोल सकता था कभी बोल देता कि एसिड मिलाया गया है तो वाटर बोल देता, ठीक है, ध्यान रखा भी जब भी बोला जाए किसी भी तरह का कि सिर्फ एसिड मिलाया जा रहा है तो वाटर सेम रहेगा, जितना पहले वाटर था उतना ही अभी भी वाटर रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ बोला गया था, क्या बोला गया था कि यहाँ वाटर सिर्फ मिलाया जा रहा है तो अगर वाटर मिलाएंगे तो एसिड तो मेरा उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो वही हम लोगों ने एसिड को एसिड से बराबर कर दिया, उसको सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि रेडियस ऑफ ए लार्ज सॉलिड स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है कि हमारा जो एक सॉलिड स्फीयर है, ध्यान देना एक स्फीयर है जिसका रेडियस दिया गया 14 सेंटीमीटर, उसको बोला गया है कि 8 बराबर भाग में, ध्यान देना क्या बोल रहा है कि उसको 8 बराबर ठोस गोले में पिघला कर जाता है, मतलब जो बड़ा गोला था, ठीक है ना, बड़ा गोला था उसको क्या किया गया 8 छोटे छोटे गोले में बांट दिया गया, ठीक है, छोटे छोटे गोले 8 गोले में बांट दिया गया, तो बोल रहा है कि सभी 8 गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बोल रहा है मतलब ये जितने हमारे पास थे इसका बोल रहा है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है इस पर पहले ध्यान देंगे हम लोग, क्या इससे बना सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, ध्यान देंगे क्या होता है 4πr², ध्यान देंगे तो हम लोग यहाँ ध्यान देना कितने करना है 8 पर, ध्यान देना 8 गोला बनाना है, 8 को गोला करना है तो मतलब 8 से उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, अब ध्यान देंगे अब हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो क्या रहे 8 से वो कट रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 8 गोला था, अगर 1 गोला को निकाल के अगर 8 गोला में मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा 8 का, ठीक है, तो चेक करेंगे तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 8 से कट रहे हैं, ठीक है, उस तरह की कंडीशन में हम लोग देखेंगे क्या करेंगे हम लोग नीचे से चेक करना शुरू करेंगे,
देखेंगे तो इसको देखा जाए तो ये हम लोग आठ का डिजिट रूल पढ़े हैं, हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे ना आठ का डिजिट रूल कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं लास्ट का थ्री डिजिट को चेक करते हैं। तो अगर लास्ट का थ्री डिजिट चेक किया जाए तो देख रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जा रहा है, ठीक है। उस ढंग से इसको देख रहे हैं ये नहीं कटेगा, ठीक है। ये भी देखेगा जाएगा तो ये नहीं कट रहा है, ये कट जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये दो नंबर क्या हो गया, आठ से कट रहा है, मतलब क्या होगा ये और ये आंसर होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। अब ध्यान देंगे, अब ये तो हमारा फेल हो गया आठ वाला, हम लोग क्या करेंगे, अब तो ऑप्शन छट गया, मतलब ये और ये हो सकता है। अब ध्यान देंगे ये हमारा जो पाई है तो पाई में भी क्या हमारा 22/7 वैल्यू है, तो 22/7 में क्या एक 11 छुपा हुआ हमारा है, देखेंगे कौन इसमें 11 से कट रहा है। तो देखेंगे ध्यान देंगे अगर इसको चेक किया जाए तो क्या होगा, 6 4 10 8 6 14 मतलब ये नहीं कटेगा, मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसको डायरेक्ट अप्रोच कैसे करेंगे, फटाफट बिना सॉल्व किए हुए इसे हम लोग फट सन कैसे हम लोग 10 सेकंड के अंदर इसको निकाल सकते हैं, क्या करेंगे 8 से डायरेक्ट भाग देंगे, देखेंगे कौन कौन कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा था, 8 के बाद हम क्या करेंगे फिर अब 11 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे 22, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, तो जो पाई है ऊपर वैल्यू है वो कभी कटेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कटेगा ध्यान देना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है क्यों नहीं कटेगा 22, ध्यान देना है क्यों, क्या होता है ये हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्या होता है 4πr² तो 4π का वैल्यू 22/7 इंटू आर मान लीजिए कुछ आएगा, ठीक है, इंटू क्या करेंगे 8 करेंगे। और जब भी देखेंगे r वैल्यू जो भी आएगा वो क्या करेगा, वो सिर्फ नीचे से नीचे कहीं काट पाएगा, ऊपर वाले तो रह जाएगा, क्या होगा ये हमारा हमेशा क्या होगा 11 का मल्टीपल में ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 11 का मल्टीपल खोजना शुरू कर देंगे, जहां हमको 11 का मल्टीपल दिख गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर 8 का भी हम खोजेंगे, 8 जो कट रहा है वो हमारा मल्टीपल हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर इसको हम लोग मेथड से अगर बनाया जाए, ध्यान देना है, अगर हम लोग मेथड से अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे उस पर ध्यान देना है। जैसे क्या बोला गया है कि हम लोग कोई भी बड़े चीज़ को ध्यान देना है, कोई भी वॉल्यूम है जैसे दिया गया, मतलब कहना है मतलब बड़े से अगर छोटा में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना है, मतलब बड़ा से पिघला करके छोटा बनाना है, छोटा छोटा बहुत सारे गोले बनाना है, क्या करेंगे तो दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। और जब भी संख्या इस तरह का बोला जाए तो हमेशा क्या होता है यन नंबर ऑफ संख्या, यन बराबर क्या होगा संख्या हो गया, संख्या बराबर क्या होता है आर बटा आर का होल क्यूब, ये सिर्फ स्फेयर में होता है, ध्यान देना है। ये स्फेयर में क्या होता है कि अगर स्फेयर में अगर गोला का अगर संख्या निकालने बोलेगा क्या होगा आर बटा आर का होल क्यूब होगा। अब ध्यान दे रहे हैं नंबर कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो 8 बराबर क्या दिया गया है, अब आर ध्यान देना कैपिटल आर, मतलब बड़ा वाला स्फेयर कितना दिया गया 14 दिया गया है, 14 बटा आर इसे क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व करेंगे देख रहे हैं तो इसको भी सोल्व किया जाए तो इसको 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा 14 बटा आर बटा आर का क्यूब होगा, देख रहे हैं क्यूब से क्यूब कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू आर बराबर क्या आ गया 7 आ गया, 7 आ गया। टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है 4 πr² होता है, इंटू 8 गोला निकालना था, एक गोला निकाल करके हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गोला निकल जाएगा, सब करेंगे 7 से 7 काटेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है डी है, समझ जाएंगे कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अगर इसको मेथड से अगर ले चले और पूरा मेथड से अगर बनाना हो हम लोग ऐसे बनाएंगे, पर हमें मेथड से मतलब नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। एग्जाम में कभी कभी एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि अप्रोच रखेंगे, फर्स्ट अप्रोच रखेंगे, तो कैसे ऑप्शन के थ्रू चलेंगे, तो ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे तो कैसे हम लोग चेक किया, पहले देखेंगे 8 का, क्योंकि 8 गोला निकालना था तो 8 का मल्टीपल हमने देखा कौन कौन 8 से कटने वाला है, 8 से देखा कि दो नंबर मिल गया हमें ये और ये मिल गया, उसके बाद हमने चेक किया 11 से फट सन, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या था 22/7 था, ठीक है। आगे चलते हैं, उसे ढंग से क्या बोला गया है कि ABC क्या बोल रहा है, स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ, मतलब ये मतलब क्या बोल रहा है, तीन आदमी हैं, ए है बी है और सी है, तीनों मतलब इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, कुछ पैसा लगा करके, एक ने लगाया 1,00,000 रुपया, ठीक है, बी ने लगाया 1,40,000, ठीक है, सी ने लगाया कितना 2,04,500, ठीक है, ध्यान देना है, ए लगाया 1,00,000, बी लगाया 1,40,000, सी लगाया 2,00,000, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 3 महीने बाद क्या बोलता है, सी बिजनेस छोड़ देता है, मतलब कि सी क्या बोल रहा है कि 3 महीने तक वो काम किया, ध्यान देना है, वो 3 महीने तक ही काम किया, उसके बाद क्या किया, बिजनेस उसने छोड़ दिया। उसके बाद क्या बोला गया है कि
कि सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद फिर कहता है बी भी छोड़ देता है, मतलब कि सी के छोड़ने के 7 महीने बाद बी भी छोड़ देता है, मतलब 7 महीने बाद छोड़ेगा मतलब 3 महीना तक काम कर चुका था, मतलब क्या जाएगा 10 महीने काम करेगा टोटल। और उसके बाद क्या बोला गया है तो, और ये तो पूरा दिन रहा, पूरा साल रहा, वर्ष के अंत तक बोला गया है, ठीक है, ध्यान देना यहाँ बोल रहा ना वर्ष के अंत तक, मतलब पूरा साल काम करेगा, ठीक है। तो इसको प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे, तो सोल्व करेंगे ध्यान दे रहे, ये हमारा क्या हो गया पूंजी था, ध्यान दे रहे ये हमारा कैपिटल था, और कैपिटल को अगर टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है कैपिटल को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पूंजी है अगर पूंजी को समय से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसका रेशियो मिलेगा, ध्यान देना वो हमारा प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा वो हमारा प्रॉफिट मिलेगा, अगर पूंजी को समय से अगर गुना करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा वो पूंजी मिलेगा, सॉरी लाभ मिलेगा। तब ध्यान दे रहे हैं तो उसको हम लोग रेशियो में बांट लेते हैं, रेशियो में दिया गया था, ठीक है, उसको हम लोग सोल्व करेंगे, अब सोल्व करेंगे ध्यान देंगे तो 4 से 4 0 सारे में कट जाएगा, 4 0 यहाँ भी था, 1 2 3 4 4 0 ये कट गया, यहाँ भी क्या होगा 4 0 कट जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं इसको और काटेंगे, काटेंगे तो ध्यान दे रहे हैं 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है, 1 0 यहाँ भी है, कट गया। अब देख रहे हैं इसको काटेंगे 2 से 2 से काटेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ बचे हो जाएगा 7 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, बचेगा ना, 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, यहाँ से भी 2 कट गया, तो प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा 6 7 3, इस रेशियो में उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब आगे क्या बोला गया है कि आगे देखा जाए तो सी को लाभ का अपने भाग का हिस्सा कितना मिला उसको, सी को 1155 रुपये प्राप्त हुआ, तो बोला गया ए और बी का भाग निकालना था, तो सी को कितना भाग मिला है यहाँ देखा जाए रेशियो में 3, अब वहाँ कितना मिला है पैसे में तो 1155, ध्यान देना 1155 मिला है, अब भाग यहाँ कितना मिला है 3, तो उसको अब निकालना क्या था हमें ए और बी का हिस्सा निकालना था, कुल हिस्सा, तो ए और बी कितना है यहाँ कमा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 और 7 मतलब 13 का, इसको गुना कर दें, काट लेंगे, काटेंगे क्या 3 बार में काटेंगे, ठीक है, 3 3 9 क्या हो जाएगा 3 3 9 और 2 25 मतलब 8 5, ठीक है, इसको गुना कर देंगे 13 से गुना कर 13 5 65 होता था 6 13 8 74 से और 6 10 हो गया, ठीक है 10 और 11 13 39 और 11 क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 5005 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, समझ में है ये कैसे हम लोग करेंगे। जब हमेशा ध्यान देना जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए ध्यान देंगे जो भी पूंजी हम लोग लगाते हैं, जो भी बिजनेस में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसको हम लोग टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है तो उसको टाइम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारा क्या बनेगा प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट के बारे में बात किया गया था तो प्रॉफिट हम लोग ने निकाल लिया, फिर उसके बाद जैसे जैसे बोला क्या बोला गया था 1155 सी का प्रॉफिट था, सी का यहाँ प्रॉफिट रेशियो में 3 दिया गया था तो 1155/3, फिर किसका निकालना था, निकालने बोला गया था ए और बी का रेशियो निकालना था, ए और बी का हिस्सा कितना होगा तो ए और बी रेशियो में कितना दिया था 6 और 7, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 13, सोल्व कर दिए आंसर आ गया हमारा। आगे चलते हैं इसको देखिए ध्यान से, हमारा ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं ग्राफ वाले, ठीक है, प्री में भी पूछ दिए जाते हैं, 2 से 3 4 क्वेश्चन रहते हैं, 2 से 4 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तब ध्यान देना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमें ये ग्राफ दिया गया है जिसमें से क्या बोल रहा है, गिवन ग्राफ शोज दैट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 स्कूल, मतलब 5 स्कूल में लड़का और लड़की की संख्या दिया गया है, 5 स्कूल है 1 2 3 4 5 इधर संख्या दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि विद्यालय S6 में बोला क्या कहा गया है, यदि हम लोग विद्यालय S6 बनाते हैं, मतलब एक दूसरा विद्यालय बनाते हैं, ध्यान दे रहे हैं हम लोग 5 ही विद्यालय था यहाँ पर एक विद्यालय के बाद और आगे किया, एक स्कूल का बात और किया, मतलब कि यहाँ हमारा होगा, ठीक है, यहाँ एक होगा, ये होगा हमारा स्कूल S6, ठीक है, जिसमें से क्या बोला गया है ध्यान देना है, जिसमें से लड़कों की संख्या विद्यालय S1 में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है, ध्यान देना है मतलब कि लड़का का जो संख्या है, ध्यान देना है जो बोला गया है कि S1 में, ठीक है ना, S1 में जो लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है, तो देखेंगे तो हमारा जो बॉय है तो बॉय कौन सा, ये वाला हमारा जो डार्क कलर वाला है, ये हमारा क्या है
बॉय है, और जो ये लाइट कलर वाला है ये हमारा क्या है, गर्ल है। ध्यान देना, ये हमारा क्या हो गई, ये हमारा डार्क कलर वाला ये बॉय है हमारा, ठीक है, ये हमारी गर्ल है। तो इसमें सिर्फ क्या बोला गया है कि S1 में जितनी लड़कियां हैं, ठीक है ना, S6 के बारे में क्या बोला गया है, तो S1 में जितनी लड़कियां हैं उसका 30% अधिक है लड़का। तो देखेंगे लड़की की संख्या कितना है, यहाँ 500 है, तो 500 का 30% मतलब क्या हो गया हमारा 650 आ गया, मतलब टोटल हो गया लड़की, मतलब 650 लड़की किस में है, लड़का किस में है, S6 में बॉय की संख्या आ गया, बॉय हमारा क्या हो गया 650 हो गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है, तो विद्यालय S3 और S4 में लड़कियों की संख्या विद्यालय S6 और S1 में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, मतलब क्या किया है, बोला गया है कि S3 और S4 में लड़कियों की संख्या निकालना है। ध्यान देना है, S3 और S4 में लड़की की संख्या निकालना है, तो S3 यहाँ है, S4 यहाँ है, तो S3 में लड़की ये रहा, S4 में लड़की ये रहा, टोटल कितना लड़की हो गया 2200। ध्यान देना है 2200 होगा ना, 1800 प्लस 400 2200 हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है कि विद्यालय S6 और S1 में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान देना है क्या बोल रहा है कि S6 और S1 में, तो S6 में लड़का इतना हो गया और S1 और S6 में लड़का इतना और S1 में लड़का 1200 था, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 1200 और 650 क्या हो जाएगा 1850। तो यही बोला गया कि लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में इसको बदल देंगे, ठीक है, समझ में ये कैसे हुआ। ध्यान देना है क्या बोला गया था, जो डाटा दिया गया था उसके अनुसार चलें। क्या बोल रहा था कि पहले तो ऑप्शन में क्या बोला गया क्वेश्चन में, एस सिक्स में जितनी लड़की मतलब लड़का की संख्या है, मतलब हम एस सिक्स नया बना रहे बिल्डिंग जिसमें क्या बोला जितना लड़का रखना है, कितना लड़का रखना है कि S1 में जो लड़की की संख्या है उसका 30% अधिक होना चाहिए, तो लड़का कितना था, लड़की यहाँ क्या था S1 में 500, तो इसका 30% क्या होगा हमारा, ध्यान देना 30% अधिक बोलने का मतलब क्या हो गया, तो 500 में क्या हो गया 30% अधिक मतलब 130/100, यही हुआ ना, 100 जीरो से जीरो कट गया मतलब क्या हो गया, इसको गुणा करेंगे तो 650 आ गया, तो यही मेरा बॉय हो गया, S6 में बॉय हो गया कितना 650 हो गया, ठीक है। तो आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया तो विद्यालय S3 और S4 में लड़कियों की संख्या, ध्यान देना है S3 और S4 में लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ 1800 यहाँ 400 2200 हो गया हमारा, ठीक है। आगे क्या बोला गया था, तो फिर लड़कियों की संख्या विद्यालय S6 और S1 में लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत, लड़कों की संख्या से बोला गया है, तो यहाँ S1 में कितना था लड़का 1200 और S6 में लड़का कितना है 650 है, इसको जोड़ेंगे क्या जगह 1850, तो ये बोला तो लड़कों से कितना प्रतिशत, तो लड़का को नीचे रखेंगे लड़की को ऊपर रखेंगे, उसको क्या करें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और उसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने में ध्यान देंगे तो सोल्व कैसे करेंगे फटाफट, इसको देखा जाए अगर ऑप्शन देखा जाए तो 100 मतलब क्या है, सब 100 से अधिक ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग देखें तो ये 1800 मतलब कितना अधिक है, ठीक है, ध्यान देना है कितना अधिक है, तो लगभग कितना है, तो देखा जाए तो 350 आसपास अधिक है, मतलब कहने का मतलब 350 ज़्यादा है, तब देखा जाए तो 350 ज़्यादा है मतलब कितना हो गया, इसका कितना प्रतिशत अधिक है, देखा जाए कितना ज़्यादा है, लगभग दुगुना से थोड़ा कम है मतलब 20% के आसपास है, ध्यान देना जाए इसका क्या, इसका 20% के आसपास है मतलब 20% से अधिक नहीं है, अगर इसका 20% निकाला जाए 1850 का, 1850 का 20% कितना हो जाएगा 370 होगा, ठीक है, 1850 का अगर 20% निकालेंगे 370 होगा, 370 से ये क्या है कम है, तो थोड़ा सा ही कम है, तो उसी अनुसार से देखेंगे तो कितना कम होगा, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला टिक हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है, ये क्या है उससे ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, समझ में इसको कैसे सोल्व किए, ध्यान देना आप चाहे तो इसको पूरा काटे गुना करें काफ़ी लंबा चल जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ध्यान देना इसको हम लोग ऐसे लिखा 850 प्लस क्या हो गया 350, ठीक है, इसको बटा 1850, इसको हम क्या किए इसको काटेंगे तो ये हमारा 100 हो गया, ठीक है, ये हमारा 100 बराबर हो जाएगा, ठीक है ना 100, और ये हमारा क्या जाएगा, अगर इसको काटेंगे ध्यान देना है तो ये लगभग कितने बार में कटेगा 18 के आसपास में जाएगा, मतलब कि ये 20% के आसपास में जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा 100% हो गया, ये हमारा क्या 20% थोड़ा सा कम रहेगा, क्यों कम रहेगा, अगर इसका 20% लिया जाए तो कितना होता है 370 होता है, 370 ये ज़्यादा हो गया मतलब कहने का मतलब ये उससे कम रहेगा, 20 से कम रहेगा, तो 20 से कम एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है ये है, ये तो बहुत कम हो जाता है, तो ये हमारा नहीं होगा,
समझ में आए कि ऑप्शन हमारा कैसे हम लोग इसको अप्रोच करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग और भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ जेड इज द लार्जेस्ट साइड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर तो देन द ट्रायंगल इज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा साइड क्या है, एक दो तीन दिया गया है, मान लिया हम ट्रायंगल है हमारा जो भी कोई भी हो, ठीक है ना, ये हमारा क्या आ गया एक्स वाई जेड, जेड क्या बोला गया सबसे बड़ा साइड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो ध्यान देना, हम लोग तीन तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे ट्रायंगल एंगल के अनुसार। क्या होता है, एक जैसे हमने एक ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एक ट्रायंगल ये होगा हमारा, ठीक है, एक ट्रायंगल ये हमारा होगा, ध्यान देना है, ध्यान देना, ये तीन तरह के हमारे ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल होगा, ये हमारा क्या हो गया राइट एंगल हो गया, ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ध्यान देना है, ये हमारा क्या हो गया थीटा, ये हमारा क्या होगा एक्स वाई जेड, जेड हमारा सबसे बड़ा साइड है, ये होगा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं, इस तरह का जब भी आ जाए अगर एक्यूट एंगल बोले उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है जेड स्क्वायर। अगर साइड का स्क्वायर का अगर सम करेंगे हमेशा क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर हमेशा होगा। उसी तरह से राइट एंगल को अगर सम किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा हमेशा जेड स्क्वायर के बराबर होगा राइट एंगल में। और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्मॉलर देन जेड स्क्वायर, ध्यान देना है, एक्यूट एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। उस तरह से ऑप्टिक्यूज एंगल में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन जेड स्क्वायर, समझ में, तो ये हमारा कंडीशन होता है ये हमारा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस तरह देखा जाए तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर इस ऑप्शन से देखा जाए तो हमारा क्या बोला गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, मतलब क्या हो गया हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा हमारा है, सी नंबर है, समझ में कैसे होगा ये हमारा, इसको ध्यान देना है इस चीज़ को। कभी कभी पूछ सकता था राइट ट्रायंगल पूछ सकता था, ठीक है, कि राइट ट्रायंगल दे देता, कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछ सकता था, ये बोलता था साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल जिसमें सबसे बड़ा साइड है, और बोलता था कि ऑप्शन दे देता इस तरह से, ठीक है ना, ये तीन ऑप्शन देता, एक ऑप्शन और कोई बना देता, बोलता कि इसमें कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हो जाएगा, समझ में। कभी कभी उल्टे पूछ सकते हैं, कभी क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा एक्यूट एंगल बोल दिया जाएगा और ऑप्शन में ये दे दिया जाएगा, तो कभी ऐसे भी उलट के एग्जामिनर पूछते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखा जाए, आगे क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ध्यान देना है, इज 4:5, मतलब क्या दिया गया, एक आदमी है ए और बी, दो आदमी जिसका मंथली इनकम कितना है, ठीक है, इनकम हमारा कितना दिया गया है 4:5:2, इसका बोला जा रहा है ये सेव कितना करता है, सेविंग इसका कितना है, तो बोला जा रहा है 4:19, तो बोला गया है, अब ध्यान दे रहे हैं ये हमारा क्या था इनकम क्या था 4 और 5 के रेशियो में, सेव के क्या कर रहा है 4 और 19 के रेशियो में, अब ध्यान देना है। अगर देखा जाए तो जो ये व्यक्ति ए है और बी, अगर ए मतलब 4 रुपये कमा रहा है तो वो 14 रुपये सेव कर रहा है, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति 4 रुपये कमाए और 14 रुपये बचाए, हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो को बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो बराबर कैसे करेंगे ध्यान देना है, देखिए इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस क्या है 5, ठीक है ना, तो इसका डिफरेंस क्या करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान देना है, इसका डिफरेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उस तरह से इसका डिफरेंस लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिफरेंस क्या है 1 होगा, समझ में आ रहा है, इक्वेशन को रेशियो को हम लोग बराबर करेंगे तभी हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो क्या हो गया ये 20 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 25 हो गया। अब देख रहे 2500 रुपया कमा रहा है तो वो 14 रुपया बचा रहा है,
मतलब खर्च वो कितना कर रहा है, एक्सपेंस अगर देखा निकालने बोला जाए तो वो 6 कर रहा है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा 25 है, यहाँ 19 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब ये भी 6 रुपये बचा रहा है। क्यों सारा आगे देखा जाए तो आगे बोल रहा है कि मासिक जो व्यय है उसका दोनों का सेम है, इसलिए हम लोगों ने इसको कोशिश किया सेम करने का, ठीक है। मासिक व्यय दोनों का खर्च सेम था, कितना था 1200 दोनों का है, तो 1200 है, यहाँ दोनों का खर्च कितना है 6 है, ध्यान देना दोनों का खर्च कितना था 1200, रेशियो कितना दिया गया है 6, यहाँ करेंगे ना खर्च निकालेंगे, मतलब कितना खर्च करेगा 25 रुपये कमा रहा है, 19 रुपये बचाएगा तो 6 रुपये खर्च करेगा, 6 हो गया। तब बोला क्या गया था, ध्यान देना है, तो बोला गया था ए और बी का मासिक आय का बीच के अंतर निकालना है, आय के बीच के अंतर, तो आय कितना था यहाँ 20, यहाँ 25, तो मतलब क्या होगा अंतर निकालेंगे तो 5 का अंतर, इसको गुना कर देंगे क्या 20 बार में कट 200 बार में इसको गुना करेंगे तो 1000 हो गया आंसर हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आगे चलते हैं, उस तरह से एक क्वेश्चन बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इतना दिया गया है, ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, देन द एरिया ऑफ बेस, यहाँ भी वही करेंगे, हम लोगों ने भी देखा था प्रिज्म वाले में भी, क्या प्रिज्म वाले में देखा था जैसे ही वॉल्यूम बोलता था तो क्या करते थे बेस का एरिया इंटू हाइट करते थे, यहाँ भी बेस का एरिया क्या करेंगे, बेस का एरिया इंटू हाइट करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा हमारा इतना दिया गया है, तो बेस का एरिया को एक्स मान लिए, हाइट हमारा कितना दिया गया है 20 दिया गया है, बराबर क्या जाएगा 4800 काटेंगे क्या जाएगा 240 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, समझ में आए। चाहे ऐसे होता है हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं होता है, तो ध्यान देंगे तो बेस क्या होगा हमारा लेंथ और ब्रेथ होगा, तो लेंथ और ब्रेथ यही हमने मान लिया, इसको क्या कर दिया एक्स मान लिया, बेस का एरिया यही होगा, हाइट दिया हुआ था 20 का, इसको शॉर्ट में कर लिए हम लोग, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चले, फिल्टन से क्या बोल रहा है ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल, ठीक है, ए लॉस ऑफ 18%, मतलब ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन आ गया, इसी तरह टाइप का क्वेश्चन आ गया, हम लोग ने कल इसी तरह के क्वेश्चन का हम लोग ने पिछले क्लास में किया था, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये हमारे सेम क्वेश्चन आ गए जो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए है, ये आपको करना है, इसका आंसर बताना है पिछले क्लास में क्या था कि वहाँ मतलब कि आर्टिकल में प्रॉफिट हो रहा था और उसको इंक्रीज किया जा रहा था सेलिंग प्राइस को, ठीक है ना, वहाँ डिक्रीज किया जा रहा था और सीपी को क्या बोल रहा था डबल किया जा रहा था, पर यहाँ सीपी को 30% ही घटा दिया जा रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है, तो ये आपको करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, से अगला देख रहे हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये हमारा ग्राफ वाले फिर आ गए, क्या बोल रहा है कि हमारा ग्राफ है जो शो कर रहा है, क्या बोल रहा है अमाउंट बताया जा रहा है कि मतलब ये देखा जाए तो हमारा डार्क वाले जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ध्यान देना है, ये हमारा क्या है इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ध्यान देना है इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किस क्या चीज़ का दिया गया है ग्राफ कि मतलब हम लोग कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं बिजनेस में और उससे कितना हम लोग कमा रहे हैं बेच रहे हैं उसको, ठीक है, वो हमारा दिया गया है, ठीक है। तो इसको देखा जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है कि बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ अमाउंट परचेजिंग ड्यूरिंग रॉ मटेरियल 2012 से 2017 एंड जो फिनिश हम लोग सेल कर रहे हैं फिनिश्ड गुड आइटम को 2012 से 2017 के बीच में, उसका एवरेज का डिफरेंस निकालना है, कहने का मतलब 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितने हम लोग इन्वेस्ट किए हैं उसका एवरेज बटा माइनस क्या करना है जितने हम लोगों ने गुड्स को बेच दिया है, जितने हम लोग सामान को बेच दिया है उसका क्या बोल रहा है डिफरेंस निकालना है एवरेज का, ठीक है। तो एवरेज का डिफरेंस निकालेंगे, ध्यान देंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, इसका अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हम लोग अमाउंट इन्वेस्ट किए उसका हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज निकालेंगे ध्यान देंगे ये हमारा क्या था हम लोगों ने देख लिया, ये हमारा क्या था, ये वाला पार्ट हमारा इन्वेस्टमेंट वाला है और ये वाला पार्ट हमारा क्या अंश है जो उसको हम लोग गुड्स को बेचे हैं, ध्यान देना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे जोड़ेंगे, तो ये पार्ट को इसको 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 और ये इतने पार्ट को हम लोग क्या करना है जोड़ना है, जोड़ना कि नहीं जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तब क्या करेंगे ध्यान देना है, हम लोग को जीरो जीरो वाले के छोड़ देते हैं, जीरो वाले को छोड़ के जोड़ देंगे, क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे हम लोग, कैसे जोड़ेंगे 14 + 25 क्या हो जाएगा 39 और 35 कितना हो जाएगा 35 70 और 4 74 हो गया, 74 और 32 कितना हो जाएगा 32, 74 और 2 कितना हो गया 76 और मतलब 106 हो गया 106 मतलब 52 कितना हो जाएगा 100
58 हो जाएगा, 158 हो गया, ठीक है, 158 और प्लस 45 आ गया, ठीक है, इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा 20-30 हो गया, ठीक है, इतना हो गया, इसको जीरो था लास्ट में, जीरो कर दिए, इसको जोड़ दिए, ध्यान देना है। उसके बाद क्या था, एक पाँच यहाँ भी था, एक पाँच यहाँ भी था, पाँच पाँच दस जोड़ेंगे क्या जाएगा 2040 हो गया। ये टोटल कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया इसको जोड़ने पर, और इसका एवरेज निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 400 / 6 है, 6 साल था, 1 2 3 4 5 6 साल था, 6 निकाल लिए। फिर उसी ढंग से क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने कितना इसमें सेल किया गुड्स को, कितने हम लोगों ने बेचा, तो उसको देखेंगे, ध्यान देंगे, उसको जोड़ेंगे तो देखें, तो जोड़ेंगे तो ध्यान देना है, इसको जोड़ेंगे ये और इसको जोड़ेंगे, ध्यान देना है, अगर ये दोनों को जोड़ें तो 1000 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी तरह से अगर इसको और इसको जोड़ दें तो क्या जाएगा, फिर ये भी 1000 बन जाएगा। तो कैसे जोड़ना वो हम लोग तरीका देख रहे हैं, क्या जाएगा ये 1000 बन गया, 2000 हो गया, 2000 ये क्या कर गया 300 जुट गया, 2300 हो गया, 2300 जुट गया, फिर क्या होगा, फिर 220 जोड़ेंगे, मतलब कितना होगा 2300 और 2 क्या जगह 2520 / 6 करेंगे, 6 साल इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे वो हमारा आंसर आएगा, क्या जगह उसको सॉल्व करेंगे क्या जगह, जैसे हम 6 उसको घटाएंगे मतलब 520 में इतना घटा गया तो क्या जगह 480 आ जाएगा, 480 काटेंगे कितना बार में घटेगा 80 बार में घटेगा, मतलब क्या जगह 80 लाख हो जाएगा, ठीक है, क्यों लाख होगा, क्योंकि ये जो रुपया दिया गया है वो क्या है लाख में दिया गया है, ठीक है, समझ में आगे चलते हैं। उसी टाइम साहिल का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विनय और महेश दोनों क्या बोल रहे हैं आर इतना मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब वो महेश विनय ध्यान देना विनय और महेश की बीच की दूरी क्या बोल रहा है कि 250 मीटर है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब कि वो विनय और जो महेश है वो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब ये इधर से आ रहा है तो ये इधर से आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि इसका 36 किलोमीटर है और किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये आ रहा है, तो ये कितने पर आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आ रहा है, तो आगे क्या बोला गया है कि वो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, ठीक है, जब भी इस तरह क्वेश्चन बोला जाए मिलने का समय बोला जाए, ठीक है, ध्यान देना है, जब भी बोला जाए मिलने का समय बोला मतलब कि कहने का मतलब अगर बोल दिया जाए कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, ध्यान देना है, अगर मिलने का समय बोला जाए इस तरह का तो हम क्या करते हैं इसका सापेक्ष चाल निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं इसका, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे तो क्या होता है जब भी अगर अपोजिट डायरेक्शन से दो व्यक्ति आ रहे हैं या दो ट्रेन आ रहा है, इस तरह से ट्रेन का भी क्वेश्चन बोलता है तो क्या होता है स्पीड हमारा क्या हो जाता है, स्पीड यहाँ पर ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है दोनों का, पर जैसे ही देखा जाए कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान देना सेम डायरेक्शन में, ये तो अपोजिट डायरेक्शन वाले हो गए, अगर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों जाता तो वो क्या होता उसका स्पीड माइनस हो जाता, ध्यान देना अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये इधर से आ रहा है ये इधर से आ रहा है, हो सकता है ये इधर जा रहा है ये इधर भी जा सकता है, ठीक है, तो अगर ये दोनों इधर इधर जाएगा तो क्या होगा इस कभी मिलेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये दिया गया है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है क्या करेंगे स्पीड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो क्या बोला है टाइम निकालने के लिए बोला है, तो टाइम हमारा क्या होता है टाइम बराबर क्या होता है हमारा डिस्टेंस बाई स्पीड होता है कि नहीं होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है 250 मीटर है, ध्यान देना यहाँ मीटर में दिया गया है, और स्पीड हमारा क्या हो जाएगा इसको दोनों क्या कर देंगे दोनों को जोड़ देंगे 36 और 4 नहीं यहाँ गलती हो गया ये 54 होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है गलती क्वेश्चन आ गया है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे 36 और 54 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है 90 हो गया, अब ध्यान देना है ये 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 मल्टीप्लाई करेंगे क्या जगह ये 5 बार में कट जाएगा कितना जगह 25 को काटेंगे यहाँ कितना 10 बार में कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 10 सेकेंड हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, समझ में इसको हम लोग सुधार देंगे, आपको जो PDF मिलेगा उसमें यह सुधरा हुआ मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा से मिसप्रिंट हो गया गलती हो गया है, ठीक है समझ में वो थोड़ा सा टाइप करने में वो मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या था 54 किलोमीटर पर आवर था, समझ में इसी ढंग से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCD से क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक है हमने चतुर्भुज बना दिया,
मान लीजिए ये क्या है हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, जिसमें से क्या बोल रहा है, ध्यान देना है, जिसमें से आगे क्या बोल रहा है कि एसी लंबाई हमारा क्या विकर्ण की लंबाई दिया गया एसी, ठीक है, एसी हमारा विकर्ण की लंबाई है, ये हमारा विकर्ण हो गया, ठीक है, जिसका क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, विकर्ण एसी पर सिर्फ ए बी और डी से खींचा गया एक लंबत, ठीक है, ध्यान देना है, लंबत खींच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी और सी से एसी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लंबत खींच रहे हैं 10-10 सेंटीमीटर का, तो बी सी बी और सी पर मतलब लंबत खींच रहे हैं, ये हमारा लंबत हो गया, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो बोला गया कि इसका एरिया निकालें। तो ध्यान देंगे, जब भी क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, ठीक है ना, डायगनल का लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल मतलब ए सी इंटू क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहो, सम ऑफ जो डायगनल पर परपेंडिकुलर दिया गया है वो होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा, इसको मान लेते एक्स, इसको वाई मान लेते, तो बी एक्स प्लस डी वाई, यही हो जाएगा हमारा, समझ में आ रहा है, इसका एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए सी इंटू बी एक्स प्लस डी वाई, इसको सोल्व कर देंगे, क्या हाफ ए सी कितना दिया गया है हमारा 24 और बी एक्स और डी एक्स कितना दिया गया है 10 10 दिया गया, 10 10 मतलब क्या हो गया 20 हो गया, इसको सोल्व करेंगे, 12 बार में कट गया, 12 दूनी 24 मतलब 240 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, समझ में है कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तो हमारा ये पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें से 6 डिपार्टमेंट, एक ऑफिस में 6 डिपार्टमेंट है, यहाँ 6 डिपार्टमेंट है, जिसमें से क्या बोला है कि पाई चार्ट जो 1 है वो मेल को दर्शाता है, ये हमारा क्या हो गया, ये मेल हो गया, जबकि ये हमारा जो बोला जा रहा है ये पाई दो चार्ट जो 2 है वो किसको दर्शा रहा है, वो फीमेल को दर्शा रहा है, ये हमारा क्या हो गया, फीमेल को दर्शा रहा है, समझ में, ये हमारा मेल को दर्शा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, फीमेल को दर्शा रहा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको ध्यान देना है, कभी कभी एग्जामिनर इसी तरह के क्वेश्चन लंबे लंबे पूछ देते हैं, ठीक है ना, कि आप पढ़िए, इसमें टाइम बहुत बर्बाद कीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, देखना पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट क्या बोल रहा है कि मतलब पार्ट जो पाई चार्ट 1 में वो मेल है और पाई चार्ट 2 में वो फीमेल है, बस परसेंटेज दिया गया वही सब परसेंटेज बोल रहा है, टोटल परसेंटेज मेल ये सब बोल रहा है, ये सब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट देखिए क्या बोला जा रहा है, एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे कभी कभी बहुत फंसाते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन दे देते हैं कि ताकि आपका टाइम वेस्ट कर सके, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन बी सी, ठीक है, इज 600, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल, ठीक है ना, ये मेल था हमारा, ये हमारा क्या फीमेल है, जिसमें से बी सी में क्या बोल रहा है कि बी सी का डिफरेंस कितना दिया गया है 600, तो बी हमारा देखना है कितना दिया गया, बी हमारा 12% है और सी कितना है 15% है, तो इसका डिफरेंस लिया जाएगा तो क्या जाएगा 3%, मतलब 3% के बराबर कितना दिया गया है 600, तो 1% मेरा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 3% बराबर 600, 1% बराबर 200, फिर आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल, अब फीमेल के बारे में बोला गया डी और ई में कितना दिया गया है 900, अब डी और ई के देखा जाए, डी हमारा कितना है 18 है और ई कितना है 15% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 900 दिया गया है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सम ऑफ किसका निकालना है, सम का नंबर बोल रहा है फीमेल जो क्या ए बी एफ में है, ए बी एफ में फीमेल कहाँ है, ध्यान देना है ए बी और एफ, ए बी एफ में टोटल कितना फीमेल हो गया 25 और 14 39 और 10 49, मतलब कितना होगा 49% हो गया, 49% बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 गुना मतलब करेंगे 9 3 27, 2 4 3 12 13 14, ये हो गया हमारा, ठीक है, उसी ढंग से आगे क्या बोल रहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मेल क्या डी ई ए में, डी ई ए में मेल कहाँ है, डी कहाँ है, डी ई और ए अगर जोड़ेंगे कितना बताओ 40 40 और 18 58 हो गया, तो 58% कितना हो जाएगा, 58% बराबर कितना मेल हो जाएगा, गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 1 6 00 हो जाएगा, ठीक है, अब इसको और इसको जोड़ देना है आपस में, जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 00, क्या बोल रहा सम बोल रहा था ना, तो जोड़ देंगे तो 00 13 3 2 5 1 6 2 1 1 2 क्या होगा 2300 26300, ये क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया सी नंबर, ठीक है, समझ में,
तो कैसा लगा आपका वीडियो ये आप हमें ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जिनकी नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा हो तो वो ज़रूर हमें बताएं। तो आज का सेशन इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।